नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। भारतीय पुलिस सेवा के नव प्रोबेशनर्स के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व झलकने की बात कर खाकी का मान बढ़ाया। खाकी रौब नहीं बल्कि प्रेम का सेतु बनने को कहा। यह सच है कि व्यक्ति के पहुंचने से पहले उसका परिचय पहुंच जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कई नेताओं का दल और मन दोनों बदलने लगा है। इसी क्रम में शरद यादव जैसे कद्दावर नेता फिर से जदयू में वापस आ सकते हैं। अभी शरद यादव लोजद के संस्थापक है। शरद यादव का फिर से तीर थामना जदयू के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा ने दो केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रबंधन कमेटी की कमान सौंपी है, जिसका कई नेताओं ने स्वागत किया है। चुनाव प्रबंधन से लेकर अन्य सभी कामों का भाजपाइयों ने स्वागत किया है। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में गहमागहमी बढ़ गई है। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में जिस बेबाकी से अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी बात रखते हुए महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस को घेरा है, उससे सत्ता पक्ष के नेता संजय राउत और कंगना के बीच ठन गई है। अभिनेत्री ने खुद के मुंबई जाने का ऐलान कर अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया है। कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने में सभी की भूमिका रही है, लेकिन खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार के फार्मूले की सराहना सभी जगहों पर हो रही है। 3T ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग फार्मूले के बल पर आज बिहार को सफलता प्राप्त हो रही है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सूझबूझ का ही एक बेहतर परिणाम है। नगर निगम के कुछ नाराज कर्मियों की बेहतर सोच और अधिकारियों की शानदार तरीके से समझाने बुझाने का ही नतीजा है कि कोरोना काल में निगम कर्मी का एक वर्ग अब हड़ताल नहीं कर रहा। यूं कहे कि निगम कर्मियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है और शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजद पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि बिहार में एनडीए की शासनकाल में केवल मेघा का सम्मान है, लाठी में तेल पिलाने वालों का नहीं। चुनौती और चुनाव के बीच राजद के नेताओं ने भी अपने को तैयार कर लिया है। इसी क्रम में जनता को रिझाने के लिए राजद ने बेरोजगारी पोर्टल लॉन्च किया है। दल का थिंक टैंक मानता है कि बिहार के युवा के सामने इस समय बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या है। अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के साथ गंगा नदी का रुख सामान्य होता जा रहा है। फिर भी अभी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर ही गंगा अभी भी बह रही है। राजधानी के 1814 लोगों को मास्क नहीं लगाने के एवज में दंड शुल्क भरना पड़ा है। ऐसा है कि जिला प्रशासन ने कई वाहन मालिकों से भी मास्क की अवहेलना करने पर आर्थिक दंड लगाते हुए लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक दंड शुल्क वसूल किया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।